देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हमारी समाज की तरफ से, संत समाज की तरफ से, या 13-14 जितने हमारे अखाड़े हैं और संप्रदाय हैं और जगतगुरु शंकराचार्य, इन सब की तरफ से इसके विषय में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया, जो कि काफ़ी मैं इसको अफसोसजनक मानता हूँ। जबकि मेरा ये मानना है कि जितनी भी क्रांतियाँ देश को स्वाधीन कराने में हुई, उनकी शुरुआत सब मठों और अखाड़ों से हुई, और इसके लिए कलकत्ता का आनंद मठ इसका विशेष उदाहरण है। और सर्वप्रथम तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन सब वीरों की शहादत को नमन करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में ये शहादत है ही नहीं। मैं इसको ये मानता हूँ कि हमारे सैनिकों की क्रूरता से हत्या की गई है। शहादत, और शहादत के बाद श्रद्धांजलि, ये दो काम ऐसे हैं कि अगर शहादत होती तो बॉर्डर पे होती, लड़ के होती। अपने ही देश में क्रूरतापूर्ण तरीके से हमारे जवानों को मार देना शहादत नहीं है, निर्मम हत्या है। और ये हत्या जवानों की हत्या नहीं है, ये इंसानियत की हत्या है। और इस समय पे मैं ये चाहूँगा कि जितने भी दल हैं, जो पॉलिटिकल दल हैं, उनको राजनीति से ऊपर उठकर जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अगर वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो मेरा कहना यह है कि संत समाज को खड़े होकर, और मैं आह्वान करता हूं पूरे संत समाज का कि राम मंदिर से पहले क्यों ना बॉर्डर की तरफ कूच किया जाए। उठाएं अपने भर से फरसे, भाले और त्रिशूल। अगर देश की रक्षा का भार हमारे सैनिकों पर है, तो उतना ही हम आवाम पर मानते हैं और उतना ही हम अखाड़ों और संत महात्माओं की जिम्मेदारी मानते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हम देश, जब देश ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से लाएंगे। तो इस समय राम मंदिर विशेष मुद्दा ना होकर संतों का मेन मुद्दा बॉर्डर, और ये जो हमारे 45 जवान मरे हैं, मैं इन्हें शहादत नहीं कहूँगा, ये शहादत नहीं है, इनकी हत्या की गई है। मैं बार बार इस शब्द को दोहराऊंगा, और हत्या पर अफसोस जाहिर किया जाता है, ना कि श्रद्धांजलि दी जाती है। तो मुझे अफसोस है, और जब तक हमारी सरकार और हमारी सेना इसका बदला नहीं लेगी, मैं आऊँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इस बदले के बाद मैं उन जवानों को शहादत दूँ, शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पण करूँगा। अभी मेरी तरफ से श्रद्धांजलि नहीं है, एक शोक है, एक आग है जो मन में जल रही है, और उसी कारण मैं चैनल पे आया हूँ कि किसी भी संत महात्मा ने इस विषय पर किसी भी चैनल पर दो लाइन नहीं कही है। सर, जैसे पाकिस्तान का मसला है, बार बार समझाने के बाद वो बाज नहीं आ रहा, तो आप कहना नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री से कि एकदम अटैक किया जाए पाकिस्तान पे और इसका बदला लिया जाए फौरन? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पे अटैक किया जाए, क्योंकि अगर ये घटना बॉर्डर पे होती तो मैं कहता कि बॉर्डर पे पाकिस्तान पे अटैक करो या अपने लोग भेजो। नहीं, ये तो हमारे देश का आंतरिक मामला है, उसमें हमें पाकिस्तान से क्या कहना है, घेर के मार दो। और हम मार सकते थे, हम मार सकते थे। मैं टीवी पे एक दिन देख रहा था, 23 जनवरी को न्यूज़ 24 पर ये कहा गया था कि जो वो गाजी है उसको वहाँ पुलवामा के आसपास देखा गया है। तो जब मेरी एक बात समझ नहीं आती कि जब पत्रकारिता गाजी तक पहुँच सकती है, तो हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं? इंटेलिजेंस क्या फेल है इस मामले में? नहीं, मैं फेलियर भी नहीं कहूँगा, मैं ऐसा कहूँगा कि शायद कोई दबाव रहा होगा उन पर, कोई दबाव रहा होगा। और हमारे घर में जब आग लगती है तो सबसे पहले पानी आग के ऊपर हम स्वयं घर वाले डालते हैं, है ना? जनता में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जनता का गुस्सा वाजिब है अपनी जगह। जब अपने घर में हमारे आग लगी है और हम दोषारोपण किस पर करते हैं?
पाकिस्तान पर। अगर ये, मैं फिर वही अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि अगर ये जंग पाकिस्तान पर लड़कर हमारे लोग शहीद हुए होते बॉर्डर पर, तो मुझे शायद इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस उनके निर्मम हत्या का हुआ है। और अपने देश में सुधार करने के लिए हमें दूसरे देश की सलाह नहीं चाहिए। इसके इसको आप इंटरनेशनल लेवल पर भी देख सकते हैं कि जिस देश में आंतरिक गड़बड़ी हुई है उसने पड़ोसी से समर्थन नहीं मांगा है, उसने उसको बर्बरतापूर्ण या किसी भी तरह से उसको दबा दिया है। तो ऐसा काम हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि उन्होंने एक दिन कहा था, और मैं मानता हूँ कि उनका सीना 56 इंच का है, उन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं, तो यहाँ वो पीछे क्यों हैं ये मेरी समझ से बाहर है। अभी जैसा देखे जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था या लोगों से पहले वादा किया था कि एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे जी, उस पर अभी तक की कोई प्रक्रिया नहीं आ रही सरकार की तरफ से। देखिए, मंच पे भाषण देना एक और बात है, पॉलिटिकल मंच पे कुछ कह देना और बात है, जमीनी धरातल पे उसको करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। और उसके लिए एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए जो इनके पास नहीं है, क्योंकि इनको यही मंदिर और मस्जिद का मसला, अभी आप देख रहे थे कुंभ में कितना उठाया गया, कितने हजार करोड़ रुपए कुंभ में खर्च कर दिए गए। मैं मानता हूँ कि वहाँ गाजी ने अटैक किया, 42 लोग हमारे मरे, लेकिन वो 2560-70 के करीब लोग थे, बाकी 2400 लोग बचे थे। क्या वो उसी समय अगर उनको परमिशन होती और उन्हें सत्ता का सहयोग प्राप्त होता, तो मेरा मानना यह है कि अगर उस लश्कर अपने अपनी बटालियन का कमांडर मैं होता, तो मैं कैजुअल्टी से पहले इस बात पे ध्यान देता कि घेर लो आसपास के सब गांव, और जो भी संदिग्ध परिस्थिति में मिले उसे पकड़ो मत, गोली मार दो। वहीं सेना को बता रहे हैं कि पूरे अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक के कोई खबर हमें मिली नहीं ऐसी। ऐसा है जैसे मैं आपके घर आऊं, एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं आपके घर आऊं और आप कहें गुरुजी सब कुछ आपका है, बस हाथ मत लगाना किसी चीज को। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं कि परमिशन तो है कि आप कुछ भी करो, लेकिन हथियार लेके मत करो, ये परमिशन नहीं है। ये तो आपने हमारे जवानों को चूड़ियां पहना दी हैं। जो जवानों के परिवार हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, रो-रो के बुरा हाल है, पूरा देश भी इस वक्त जो है आक्रोशित है, लेकिन सरकार की तरफ से जो एक कदम उठाना चाहिए था वो उठा नहीं अभी तक। वो इसलिए नहीं उठेगा और कभी भी नहीं उठेगा, क्योंकि आप RTI लगा लें, आप जो 42 लोग मरे हैं और जो घायल हैं उनके परिवारों से मिल लीजिए, अगर उसमें भी किसी एक परिवार का भी व्यक्ति आपको नेता मिल जाए, एक परिवार में भी कोई नेता का बच्चा हताहत हुआ हो, तो आप मुझसे बताना। कोई नेता का बच्चा नहीं है, वो सब गांव के और सेना की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, ये होगा, कार्रवाई होगी जब नेताओं के 2-4 बच्चे मरेंगे। जी,